मेरा नाम सैयद फयाज हुसैन है। बेसिकली मेरा ताल्लुक रुजवा सादात से है, जहाँ से तहर शाह साहब वगैरह वो मेरे चाचू हैं, आपके दौर में वजीर रहे। तो यहाँ पर शेफील्ड में मैं होता हूँ और हम छोटा सा अखबार यहाँ निकालते हैं। अच्छा। माना अखबार है इलम नाम से जो आपके सामने है। तो शाह साहब की जरा नवाजी के इन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम आपके सामने आए और आपसे चंद सवाल करेंगे। तो सवाल इनका ये हमारे साथ हैं मिर्जा साहब और शाह साहब निशान अदन नकवी साहब और कैमरामैन अतीक हमारे साथ हैं और छोटा सा एक ग्रुप है। बहरहाल ताल्लुकात आपकी वजह से और शाह साहब की वजह से माशाल्लाह काफी अफजाई और हौसला अफजाई होगी। तो हम कुछ सवाल करना चाहते हैं, क्योंकि वो आवाम के सवाल हैं जो अक्सर से हमारे साथ होते हैं। पहला सवाल जो है वो मुख्तसर ये है कि क्या काम थे जो आप नहीं कर पाए अपने दौर में, और अब आप आएंगे जब दोबारा बसरे इख्तदार होंगे तो आप वो काम करेंगे। हाँ, देखिए ना, अगर एक कोई कंक्रीट चीज, एक सिंगल काम जिसमें मैं जो मैंने नहीं किया, वो तो मेरी नजर में कि कालाबाग रहम है, उसको उठाना चाहिए था। लेकिन कोई पॉलिटिकल रीजन थी जिसकी वजह से हमने उसे डिले और अटेंड किया। बाकी जहाँ तक काम है पाकिस्तान की, देखिए ना, काम मैं सोचता हूँ क्या काम, पाकिस्तान की स्टेट एज ए स्टेट उसको डिवेलप करना और अवाम की वेलफेयर, उनकी खुशहाली, उनकी तरक्की, बहुत सी इसमें बातें हैं। दोनों एरियाज में अवाम की तरक्की सबसे पहले तो इकॉनमी है, उसके बाद उसका कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, वाटर मैनेजमेंट, इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेली कम्युनिकेशन, अवाम की खुशहाली में उनकी एजुकेशन, हेल्थ, पॉवर्टी एलिगेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेट, ये सारी चीजें सब में हमने कुछ की। तो मैं ये नहीं कह दूंगा कोई एक चीज हमने छोड़ दी हुई, हमने कह नहीं अब मैं ये करूंगा, हमने हर चीज में कुछ ना कुछ किया। लेकिन डिग्री ऑफ सक्सेस उसने वेरी किया है, कितना हमने सक्सीड किया वो, कुछ में कम, कुछ में बहुत ज्यादा। तो वो सारा वही करना है जो हम पहले भी कर रहे थे, करना है और उसको और ज्यादा सक्सेस की तरफ लेकर जाना है।